नमस्कार। हर हफ्ते की तरह मेरे साथ हैं आनंद वदन सिंह। हम लोग बात करते हैं राजनीतिक विषयों पर और आप तक लेटेस्ट खबर पहुंचाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। आनंद, आज मैं थोड़ा बाहर हूं अपना हैदराबाद से, तो मेरे पास वो नॉर्मल जो मैं डेटा लेके चलता हूं वो नहीं है, लेकिन आज जो विषय भी है उसमें शायद डेटा की जरूरत भी नहीं थी। बात हम कर रहे हैं स्पीकर के चुनाव की, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है और जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले एक दो दिन में वो कहीं पे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छी तरफ ये रिलेशनशिप्स नहीं जा रही है, शुरुआत ही खराब हो रही है। अब जिस तरह से मोदी जी अटक गए हैं ओम बिरला के नाम को लेकर, ओम बिरला की हिस्ट्री हम सबको पता है, उन्होंने पिछले सेशन में क्या किया, 131 एमपीज को उन्होंने बर्खास्त किया, माइक बंद कर देते थे, तो कहीं में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी शुरुआत में ही विपक्ष के अगेंस्ट उन्होंने ठान लिया कि उन्हें तो ये लड़ाई करनी ही है। तो आनंद, आपसे शुरू करते हैं, स्पीकर के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? आनंद, नहीं मेरे ख्याल में देखिए, एज फार एज चुनाव इज कंसर्न, नंबर्स एनडीए के साथ हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें कोई ऐसा नया नाटकी होने वाला है कि एनडीए का कैंडिडेट हार जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मोदी जी की कथनी और करनी, मतलब वो सोचते क्या है, करते क्या है, या जानबूझ के करते हैं, या आदत है, या समझ नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 10 साल बाद भी इस देश को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा प्रधानमंत्री कहता कुछ है करता कुछ है। जैसा राहुल गांधी ने कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो ये बाहर बोलते हैं वो अंदर करते नहीं है। अब एक तरफ मोदी जी सबको पाठ पढ़ाते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, और फिर वो ये कहते हैं सरकार चलाना और देश चलाने में वो फर्क करते हैं। फिर वो कहते हैं कि देश को चलाने के लिए सहमति की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि द बॉल वॉज इन मोदी जी कोर्ट, मेजोरिटी मोदी जी के पास है, तो डिसाइड तो मोदी जी को करना था, ये डिसीजन ऑपोजिशन को नहीं करना था। ऑपोजिशन मोदी जी से क्या मांग रहा था, इंडिया अलायंस मोदी जी से क्या मांग रहा था, वो ये कह रहा था कि आप स्पीकर अपना कर लीजिए और उसकी जगह जो डिप्टी स्पीकर की जो परंपरा है, ये आज के नहीं, 2014 में आके मोदी जी ने ये परंपरा तोड़ दी थी, क्योंकि मोदी जी बहुत सी लोग मतलब संसदीय परंपराओं को मानते ही नहीं है। लेकिन उससे पहले इस देश की एस्टैब्लिश परंपरा ये थी कि जो स्पीकर का पद रूलिंग पार्टी के पास, डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के पास। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, टेक्निकली डिप्टी स्पीकर के पास कोई पावर नहीं होती, क्योंकि स्पीकर का रोल क्या है, स्पीकर का रोल यह है कि हाउस ठीक से चलाए, ये उसका प्राइमरी रोल है। उसके अलावा उसका एक रोल और है स्पीकर का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से ये सारा कुछ खींचतान हो रही है, कि अगर कोई दल बदल करे या इधर से उधर जाए या कोई विप को न माने, तो उसके अगेंस्ट अगर एप्लीकेशन आती है या कोई इस तरह की बात आती है कि उसकी मेंबरी जानी चाहिए रहनी चाहिए, उस पर उसको निर्णय देना होता है। और इसमें बार बार लोग एक कोट करते हैं गिरधर गोमांग का, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, केंद्र में अभी एमपी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय उन्होंने अपांग को अलाउ किया था वोट देने से। नो, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब उन्होंने अलाउ कर दिया और ऐसा कहा भाई, जैसा हुआ कि एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पावर जो है वो स्पीकर के पास है। डिप्टी स्पीकर एक स्टॉप गैप होता है जो इन प्लेस ऑफ स्पीकर इस तरह के बेसिक निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन जो रनिंग ऑफ द हाउस है उसमें उसका रोल होता है। और ये ज्यादा सिमेंटिक्स है, ये ज्यादा इसलिए है कि भाई एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है, अदरवाइज ऑन ग्राउंड इसका कोई ताकत नहीं है डिप्टी स्पीकर। अब मोदी जी अगर उसको भी मानने को नहीं तैयार हैं और मोदी जी का कहना है कि पहले स्पीकर आप चुन लीजिए फिर हम देखेंगे, तो ये हम देखेंगे, तो आप जो 10 साल से देख रहे हैं तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है किसी को, मोदी जी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। मेरा सिर्फ कहना यह है कि स्पीकर के विवाद को जो बार बार बीजेपी बना रही, देखिए ऑपोजिशन जो है वो उस ऑपोजिशन के पास चॉइस क्या थी,
अगर आप नहीं मान रहे हैं तो डेमोक्रेसी में यही सब चीजें, आदमी धरने पे क्यों बैठता है, आमरण अनशन क्यों करता है, वो जो अपनी व्यवस्था के खिलाफ जो उसका प्रोटेस्ट है उसको इन जरियों से वो अपनी बात आगे तक पहुंचाता है। तो ये प्रोटेस्ट कि भाई ऑपोजिशन को बिल्कुल मोदी जी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, उसको कुछ नहीं समझते हैं, इसको मैनिफेस्ट करने का एक जरिया वहां पे इलेक्शन है। और दूसरा ये कि चॉइस ऑफ कैंडिडेट भी इंपॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ कैंडिडेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि के सुरेश को प्रोटम स्पीकर बनना था, क्योंकि सीनियोरिटी वाइज ही वाज द सीनियर मोस्ट, वो नहीं बनाया गया। अब वो जब नहीं बना रहे हैं तो दे हैव ऑल द राइट टू से दैट कि भाई हम के सुरेश को ही अपना कैंडिडेट बना रहे हैं। हालांकि उसमें भी अभी मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम है, ममता बनर्जी की जो एक अपनी स्टाइल है, उनको हर चीज में एक वो साथ तो आती है लेकिन विथ अ क्वेश्चन आती है, विथ अ क्वालिफायर आती है। अब रात में उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भाई स्पीकर की बात तो हमसे तय करके नहीं, उन्होंने उसका स्पीकर के कैंडिडेट का किया, हालांकि राहुल गांधी का फोन आया था, वो बात किए थे, अब हम कल सुबह 9 बजे तक अपना स्टैंड बनाएंगे। ममता जी, क्या यू हैव अ चॉइस टू गो एंड वोट विथ एनडीए? नाउ जब आपके पास ये चॉइस नहीं है तो मुझे लगता है कि ममता जी की भी एक दिक्कत यह है कि वो अब उसको विम्सकल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मूडी हैं, कुछ लोग कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इस छोटे छोटे उससे कभी कभी सिग्नल बहुत गलत चले जाते हैं। तो अगर इस पे ममता जी शुरू से ही कही होती कि मेरे हिसाब से ज्यादा मच्योर ये था, जब आप जान रही कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपका एनडीए के साथ खड़े होने से भी कोई डिसीजन चेंज नहीं होना है, आपका एनडीए के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने से भी जो स्पीकर का फाइनल डिसीजन है उसमें कुछ नहीं होना है, लेकिन एक नया वो करके विवाद पैदा करके मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस लार्जर उसमें अपने रोल को छोटा कर रही है। पीपल, अब कैसे, अगर आप इंडिया गठबंधन को कल लीड करने की बात होगी तो लोगों का आपके ऊपर कैसे विश्वास हो? तो मुझे ऐसा लगता है स्पीकर का थिंग इज अ फॉर्मेलिटी, पर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कि ऑपोजिशन है, वाइब्रेंट है, जिंदा है, ये जरूरी था कि उसको उसका एक कैंडिडेट ऑपोजिशन की तरफ से उसमें खड़ा हो। राइट आनंद, बात यहाँ पे कैंडिडेट की चॉइस की थी कि मोदी जी ने फिर से वही व्यक्ति को लिया है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड फ्रॉम ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। जो सस्पेंशन वो करते थे वो अलग बात है, बट माइक बंद कर देना, उनकी आवाज नहीं जाने देना, जैसे महुआ मोइत्रा वाला केस था, एक्सट्रीम उसमें पनिशमेंट, तो कहीं पे मोदी जी ये दिखा रहे हैं कि ये अगले 5 साल चले नहीं चले, बट वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी ऑपोजिशन स्टांस ले रहे हैं, ये मैसेज जा रहा है। और उधर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये भी उस दिन संविधान लेके बैठे हुए थे और जब मोदी जी वो लेने गए शपथ तो वो सब संविधान उन्हें दिखा रहे थे। अगली रो, फर्स्ट रो में उन्होंने अवधेश प्रसाद जी को भी बिठाया हुआ था। तो ये जो मैसेजिंग जा रहा है ये ऐसा दिख रहा है बाहर से कि इट्स लाइक एक लड़ाई या इट्स इट विल बी अ वॉर बिटवीन दीज टू, और ये बहुत स्टॉर्मी सेशन रहेगा। इस बारे में आनंद आपका क्या व्यू है? अजय, मैं एक चीज और ऐड करना भूल गया था स्पीकर इलेक्शन के लिए। स्पीकर इलेक्शन का एक इंपॉर्टेंस और है, ये जो अनअटैच पार्टीज है, मतलब जैसे वाईएसआर कांग्रेस, हालांकि बीजू जनता दल का तो कोई वहां नहीं है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट्स है, कुछ और पार्टीज हैं, इनका भी रुख साफ होना होगा उनको। जैसा आपने अभी शो शुरू होने से पहले बताया कि वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि भाई हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट हो जाए कि ये जो अनअटैच लोग हैं ये किसके साथ है। तो स्पीकर इलेक्शन में AIMIM किसके साथ वोट देता है, एक ही सीट है, लेकिन वो किसके साथ खड़ा होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में उस दृष्टि से एक जो प्रैक्टिस मैच नहीं होता है उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है ये भी साफ हो जाएगा। एक दूसरा, अब आपने कहा कि ओम बिरला जी का व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं था, पहली चीज तो ये है कि ये कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने ये कहा हो कि भाई स्पीकर हमारा, डिप्टी स्पीकर आपका,
क्योंकि अभी मैसेजिंग क्या हो रही है कि ओम बिरला पे ये लोग तैयार नहीं थे, ऐसा नहीं है। पहली बात ये थी कि स्पीकर हमारा तो हो सकता है वो डिप्टी स्पीकर के लिए महुआ मैत्रा को कहते कि नहीं महुआ मैत्रा अब आपको, मतलब अगर मैसेजिंग की बात है, अगर ओम बिरला आपकी तरफ से आ रहे हैं तो हमारी तरफ से महुआ मैत्रा हो रही है। ये मतलब मैं आई एम गिविंग अ पॉलिटिकल आंसर टू ऑल दीस थिंग्स। आप अगर उनको ला रहे हैं तो हम अवधेश प्रसाद को यहाँ डिप्टी स्पीकर के पद के लिए कर रहे हैं, ये मैसेजिंग हो सकती थी। लेकिन यहां तक बात आई नहीं, वो इस पे तैयार ही नहीं है बीजेपी कि उनका स्पीकर पद रहेगा। डिप्टी स्पीकर अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जब इलेक्शन हो जाएगा तब देखेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल में पोजिशनिंग की बात थी। अब मैं दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि उनका व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं, खराब था, भर्सना योग था, निंदनीय था। और वो मैं दो तीन चीजें बोल रहा हूं। और वो कहते ना कि स्पीकर का पद, आपको उस पद का सम्मान आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू कमांड दैट रिस्पेक्ट बाय योर एक्शन। एंड विथ मिस्टर ओम बिरला हैज फेल्ड टू डू दैट। मिस्टर ओम बिरला, आप ये बात कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा उनका मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा आप मतलब निंदनीय काम रहा, सदन के अंदर रमेश बिधुड़ी नाम का एक बीजेपी का सांसद गंदी गंदी गाली देता है एक मुस्लिम सांसद को, गंदी गंदी गाली, उसकी एप्लीकेशन आती है और ओम बिरला जी उस एप्लीकेशन पे बैठे रहते हैं। ओम बिरला जी को अगर उस एप्लीकेशन पे कुछ किए होते तो आज मैं मानता कि भाई ठीक है उनका एक बायस हो सकता है कहीं, लेकिन वो बाय एंड लार्ज वहां ओम बिरला जी का दूसरा, वो ओम बिरला जी 100 से ऊपर सांसदों को बर्खास्त करके बिल पास करवाने का काम करते हैं, ही बिकम्स अ पार्टी टू इट। नंबर 3, ओम बिरला जी जिस तेजी से राहुल गांधी का, अगर आपको याद हो सूरत में जब लोअर कोर्ट ने उनको उनके उनको सजा दी 1 साल की, तो वो ऑर्डर गुजराती में था, वो ऑर्डर 12 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाता है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो चुका होता है और उसको अगले मतलब 24 घंटे से कम समय में ओम बिरला जी उस पर कार्रवाई करके इनको बर्खास्त कर चुके होते हैं, अगले 10-12 घंटे के अंदर उनके घर को खाली करने की नोटिस जारी कर चुके होते हैं ओम बिरला। मतलब आप, मेरा कहना है कि आप बड़ी किसी उसका पुर्जा तो बनिए, लेकिन ऐसा पुर्जा मत जब बन जाइए कि कल के दिन आपको आंख मिलाने में कहीं दिक्कत हो। ओम बिरला जी वो शख्स हैं कि जब मणिपुर पे बात हो रही थी, और ये कांग्रेस ने अपने उस पर बार बार कहा है, उसका कोई जवाब नहीं आया, मणिपुर पे राहुल गांधी बोल रहे थे, 13 मिनट राहुल गांधी बोले हैं, 11 मिनट फोकस ओम बिरला के मुंह पे था, कैमरा वॉज ऑन ओम बिरला। तो अगर दोनों चीजें हैं, अगर ओम बिरला इतने मासूम और इतने वो हैं तो उनको स्पीकर बनने लायक नहीं, अगर उनको समझ ही नहीं आता है कि पीपुल टेक देम फॉर अ राइड। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ओम बिरला जी किसी भी तरह से उनका जो कंडक्ट रहा है, जो उनका आचरण रहा है, वो स्पीकर लायक नहीं रहा है। और अगर दूसरा टर्म कर रहे हैं तो ये मोदी जी की स्टाइल है, और स्टाइल के अलावा मोदी जी को इसी तरह के लोग अच्छे लगते हैं। मोदी जी को जो मोदी जी के आसपास का जो लोग हैं इसी तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, तो उनको इसी तरह के लोग अच्छे लगते हैं। तो अब मोदी जी का अगर टेस्ट ओम बिरला का है, मैं तो ये कहूंगा कि ये मोदी जी का टेस्ट दर्शाता है कि उनको कौन पसंद है, तो उनको ओम बिरला टाइप लोग अगर पसंद है तो अब बीजेपी, मतलब ये मुबारक हो बीजेपी, मुबारक हो इस सरकार को, ऑपोजिशन तो अपना काम करेगा ही करेगा, क्योंकि इस बार शायद ओम बिरला जी जिस तरह से बुलडोज करते थे वो शायद इतना आसान नहीं होगा बुलडोज करना। अजय जी, आनंद, एक और खबर है कल की जिस पे थोड़ा आपका कमेंट चाहिए। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, अब फॉर्मली डिक्लेयर हो गया है रात में। अब राहुल गांधी शायद पहली बार किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आए हैं, उससे पहले वो एमपी तो बहुत बार रह चुके हैं, लेकिन ना वो कांग्रेस सरकार में कभी मंत्री बने थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट वगैरह वो बीच में रहे थे, लेकिन ये एक एलओपी की पोजीशन बहुत खास होती है और जिम्मेदारी वाली होती है, खासकर इस वाले जो सेशन है और जो लोकसभा है, क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रांग ऑपोजिशन है। तो राहुल गांधी का एलओपी डिक्लेयर होना और उनका आगे का अब रोड मैप, क्यों मैं इस लिहाज से बोल रहा हूं कि काफी हम में से ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा सोच रहे हैं कि
opposition, yeah, India Gathbandhan should have stricken when the iron was hot. यहाँ पे थोड़ा डिले लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये लोग ढीले पड़ रहे हैं. और अगर मोदी जी की स्ट्रेंथ आ गई और वो तीन कहीं चले गए एमपी, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया को. तो उस एंगल से भी राहुल गांधी का रोल क्या रहेगा? आनंद, नहीं देखो अजय, मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ. मैंने शायद 10-12 दिन पहले एक शो भी किया था, उसका मैं लिंक होगा तो अभी लगा दूंगा इसमें. मैं बहुत स्पेसिफिक पहले दिन से हूँ कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना ही बनना चाहिए. मेरा उसमें कहीं दो ओपिनियन नहीं. एक एक क्योंकि बहुत से लोगों का ओपिनियन ये था विद इन कांग्रेस, आउटसाइड कांग्रेस, ऑपोजिशन, कि राहुल गांधी को, और ये लोग उनके वेल विशर थे, कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं लेना चाहिए. उनको ये लग रहा था कि जो राहुल गांधी की लोगों से कनेक्ट है, जो उनका घूमने घामने का है, जो लोग जो बातें कहते हैं वो इफेक्टेड होगी, ऐसा लोगों का मानना था कि वो ऐसा लोगों का मानना था कि उनका जो जो ओवरऑल पर्सोना है उसमें कहीं इफेक्ट आता. मुझे उसमें दो तीन चीजें लगती, मैं उसको दो तीन अलग अलग ढंग से देख रहा हूं. लेट अस डिस्कस इट इन थ्री रोल्स. राहुल गांधी एज अ कांग्रेस लीडर, राहुल गांधी एज अ इंडिया अलायंस लीडर, एंड देन राहुल गांधी और इंडिया अलायंस विच ऑफ विस एनडीए एंड मोदी जी. तो पहली चीज विद इन कांग्रेस, राहुल गांधी आप देखते हैं कि खड़गे जी के साथ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो खड़गे जी को हरदम आगे रखते हैं, खड़गे जी को सम्मान देते रहते हैं, लेकिन वो दिखाई देते हैं. टेक्निकली उनकी लोकल स्टैंडिंग क्या है, टेक्निकली आई एम आस्किंग नाउ. अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो ही इंजॉयज दैट लोकल स्टैंडिंग. अब वो अगर खड़गे जी के साथ दिखाई पड़ेंगे तो कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि भाई ये गांधी परिवार है इस वजह से ये यहां आते हैं. राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ कांग्रेस पार्टी हैज एवरी राइट to be a party in the decisions which Congress parliamentary party is taking or Congress as a whole is taking. So, एक तो मुझे लगता है कि Congress को वो एक advantage. दूसरा within Congress एक और चीज है. मैं अभी बात opposition की नहीं कर रहा हूँ. Congress में भी बहुत से लोग हैं, अरे serious नहीं है, अरे संगठन उनके बस का नहीं है. He is not the person of organization. No. मैं उस क्योंकि फिर लगेगा कि मैं आई एम डिफेंडिंग राहुल गांधी, आई एम नॉट गोइंग इनटू द पास्ट, व्हाटएवर हैज हैपेंड हैज हैपेंड. और ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो संगठन नहीं कर पाते हैं, नो दिस इज अ टाइम व्हेन राहुल गांधी हैज टू प्रूव कि दिस इज ऑल्सो द, जब आप ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करते हैं और पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं जहां पे इलेक्शन लड़ना होता है, तो उसके रोल के लिए भी राहुल गांधी ठीक है. ये उनको भी एस्टैब्लिश करना है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी है. और मुझे ऐसा लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोगों का कहना है ना कि वो बहुत ऐसा नहीं है. अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, आपके पास एक टीम ऑफ पीपल रहते हैं जो जो आपको मदद करते रहते हैं उन डिसीजंस लेने में. तो इट इज ऑल्सो योर स्किल टू हाउ गुड यू मैनेज दिस. तो एक तो कांग्रेस की बात हो गई. विद इन इंडिया गठबंधन ऐसा हुआ था कि बहुत से हार्ड बर्निंग हुई थी कि किसको कन्वेनर बनाना चाहिए, किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, और अगर नीतीश जी को कन्वेनर बना देते तो वो छोड़ के नहीं जाते, ममता जी को, इस तरह की बातें हो रही. आज बिना कुछ कहे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से बड़ा लीडर कोई नहीं है. लोग इसको जनरली एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती थी. मैं तीन चार नाम भी ले लूं, जैसे अखिलेश यादव जी को शुरू में दिक्कत होती थी. अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो यात्रा में उस तरह का पार्टिसिपेशन फर्स्ट भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था. भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक आते आते इलेक्शन खत्म होते होते आज बॉडी लैंग्वेज दूसरी है, आज बाइंडिंग दूसरी है, आज वो जो एक साथ बॉन्डिंग दूसरी है. तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में भी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही बिकम्स the natural, not only natural, he has a official authority also to lead that. उनके पास एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर तो मुझे ही आप लोगों की देखभाल करनी है. सारा गेम लोकसभा में होता है, खड़गे जी राज्यसभा में, खड़गे जी के दफ्तर में ही अभी तक सारी स्ट्रैटेजी बनती थी, सब लोग वहां जाते थे. वो शायद वैसे ही रहे, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी इसको लीड करने में. और राहुल गांधी अभी भी ये है कि आप इंडिया अलायंस के सारे लोगों को देख लीजिए,
पिछले 5 साल में राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार को लोकसभा के अंदर घेरा था उतना कोई और दूसरा नहीं घेर पाया था। ऑपोजिशन के कुछ बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी बातें कही थी, लेकिन उनकी पार्टी ही में शायद वो अभी अपने को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए विदाउट नेमिंग एनीवन। अब आ जाती है बात बीजेपी के साथ, मतलब विस एनडीए। अगर मोदी जी को किसी से सबसे बड़ी दिक्कत है, अमित शाह को सबसे बड़ी दिक्कत है, वो तो गांधी मुक्त कांग्रेस के, पहले वो कांग्रेस मुक्त भारत चाह रहे थे, फिर उनको लगा ये नहीं होगा तो वो फिर कह रहे थे गांधी मुक्त कांग्रेस। तो जो इससे नंबर वन आपको दिक्कत है, जिससे आप सबसे ज्यादा डिसबैलेंस होते हैं, तो एज अ स्ट्रेटजी ऑल्सो राहुल गांधी अगर वहां रहेंगे तो दो चीजें हो रही है। अब राहुल गांधी को एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई भी अगर डिबेट होगी, और वो डिबेट तब इन लोग चाहेंगे कि वो डिबेट ज्यादा से ज्यादा हो जहां पे प्रधानमंत्री को जवाब देना। अब जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण है, पहला ही वो आएगा, राष्ट्रपति के एड्रेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एड्रेस करेगा, प्राइम मिनिस्टर भी करेगा, एंड इट इज अ डिबेट बिटवीन दी टू। और मतलब मैं बिना किसी उसके कह सकता हूं मोदी जी को राहुल गांधी कंटेंट और उसके हिसाब से हैंड्स डाउन मोदी जी आसपास नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी वही भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र हो जाएगा, फल मोदी जी के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी कंटेंट की बात करेंगे, और मुझे लगता है कि जो इंडिया का एजेंडा है, जो एजेंडा बेरोजगारी है, जो एजेंडा महंगाई है, जो एजेंडा किसान है, उसको राहुल गांधी ज्यादा मजबूती के साथ रख देंगे। और अब एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओम बिरला की हिम्मत नहीं होगी कि उनके भाषण में उतने उसको जो कुछ अंश है उसको उड़ा दे। अब वो इतना आसान नहीं होगा ओम बिरला जी के लिए। दूसरा, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, टेक्निकली बीजेपी अब ये नहीं कह सकती कि ही हैज नॉट अर्न। कांग्रेस विथ 99 पीपल इन द पार्लियामेंट हैज the authority to have this leader of opposition. पहले क्या होता था, कहते थे आप 52 हैं, आपको 55 पे आप क्वालिफाई होते हैं तो यू आर नॉट क्वालिफाई, हम दे रहे हैं आपको स्टेटस, तो अब दे नहीं दे रहे हैं, अब आपका है। और दूसरी बात यह है कि अगर साल में एक ही बार दो बार देर आर सर्टन अपॉइंटमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जो अब मोदी जी तो उसको ऐसा बना दिए कि मोदी जी का कोई साथी उसमें रहेगा, लेकिन उस कमेटी में अगर राहुल गांधी हैं तो राहुल गांधी उसको ज्यादा शिद्दत से ज्यादा टेक्निकली अपनी बात रख पाएंगे और मोदी जी तो उनसे अनकंफर्टेबल रहेंगे, इसको तो कहीं कोई। दूसरा यह, राहुल गांधी की प्रेजेंस से मुझे एक चीज और लग रही है, मोदी जी ऐसे ही पार्लियामेंट नहीं आते थे, अब राहुल गांधी के आ जाने से तो वो तो अब दिखाई नहीं पड़े, मोदी जी को आप पार्लियामेंट में आप दिखाई देना बंद कर दीजिए। तो एक तरह से अच्छा भी है कि आपको एक खुला मैदान मिलेगा अपनी बात कहने का, और जब मोदी जी वहां नहीं है तो नीचे के लोग हल्ला भले ही मचा लें पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी का जो रोल था वो रोल अब अमित शाह अपने ऊपर लेंगे, और उस तरह के रोल में आप अमित शाह को ज्यादा देखेंगे स्मृति ईरानी वाले रोल को निभाते हुए। अजय जी, आनंद, लास्ट में यूपी के बगैर मैं बात नहीं खत्म करूंगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्क दिख रही थी पार्लियामेंट के अंदर, और दोनों एक साथ रिएक्शन इकट्ठे करते हुए नजर भी आए हैं, और अखिलेश यादव ने बोल भी दिया है कि अगला इलेक्शन भी हम यूपी में इकट्ठे लड़ेंगे, तो वो तो शायद अभी एक दो साल दूर है, लेकिन इस सब का असर अब योगी जी पर क्या हो रहा है आनंद? नहीं, मैं अजय एक दो चीजें और बताता चलूं। देखिए ऐसा है जी, अब देयर विल बी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जैसे आप अगर कोई आदमी बीमार हो तो अगर वो रिकवरी की तरफ है तो उसको आप देखते हैं आज ये ठीक हुआ। अगर वो और बीमार है तो आज ये गड़बड़ हुआ। तो मैं उस स्टेजेस को बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक रेफरेंस आपने लिया है, चुनाव तो दूर है, 2027 में है, अभी 3 साल है, लेकिन उससे पहले 10 उपचुनाव, देयर आर 10 बाई इलेक्शंस गोइंग टू हैपन इन यूपी, और वो 10 उपचुनाव में अवधेश प्रसाद की सीट जो मिल्कीपुर है, फैजाबाद की जो सीट है वो भी है। बीजेपी की जैसे जिसको कहते नहीं नाक कट गई है अयोध्या की सीट हार के,
अब बीजेपी को चाहे वो सारी सीटें हार जाए, उसको मिल्कीपुर जीता ही जीता है अवधेश प्रसाद की सीट, और ऑपोजिशन के लिए भी वो मामला यह है कि मिल्कीपुर हमें जीतना ही जीतना है। तो मेरे हिसाब से ये जो मामला है ये चलता रहेगा, एक ये है। दूसरा मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक कठिनाई और होने जा रही है इस साल, जम्मू कश्मीर के अलावा। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का रिजल्ट मोर और लेस अपने को पता है, और मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई मोदी जी की सेहत पे फर्क पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है वो अपना, उसको 10 साल से इलेक्शन नहीं कराए हैं, एक आदमी बिठा के अपना चला रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 3 इलेक्शन विधानसभा के होने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, जहां पे झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, बाकी 2 जगह एनडीए की कह लीजिए या बीजेपी की सरकार है, इस पे एज वी स्टैंड टुडे, मैंने पहले भी कहा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज वी स्टैंड टुडे अनलेस एंड अंटिल इंडिया अलायंस ओवर टाइम ये काम करे कि मुझे हारना है, मतलब उसके सारे नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सारे लोग काम करें कि मुझे हारना है, ये तीनों स्टेट इस समय हारने की स्थिति में नहीं है। दे आर वेरी वेल पोजिशन, दे आर बैटल रेडी, और मुझे नहीं लगता कि इन तीनों स्टेट में कहीं से भी हार। और दूसरी तरफ ये तीनों स्टेट अगर हार जा रहे हैं तो मोदी जी की जो शाइन है, जो कलई है, वो तो उतर चुकी है। और फिर विद इन बीजेपी भी ये शुरू हो जाएगा कि मोदी जी अब वोट गेटर नहीं है, अब उनसे वोट जिताऊ वो नेता नहीं, जो मोदी कहता था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, वो गारंटी का खुलासा और हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में भी उसका असर पड़ेगा। यूपी में एक अच्छी बात यह है, कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है कि कौन रहेगा लीडर, अखिलेश यादव रहेंगे उत्तर प्रदेश में। इतने दिनों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो डेवलप हो गए हैं रिलेशनशिप, उसमें 2-3 सीट कम ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यूपी ऑल्सो विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। एक चीज और ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ को जब आप देख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ मतलब फ्रॉम हिज पॉइंट को ऑपोजिशन से ज्यादा योगी आदित्यनाथ समस्या है अमित शाह के लिए, मतलब फॉर हिम। तो योगी आदित्यनाथ को अमित शाह कैसे, मतलब अमित शाह का मतलब जब है तो मोदी जी के लिए ही इज अ बिगर प्रॉब्लम देन ऑपोजिशन। तो अब वो उनको क्या करेंगे, मेरी निश्चित मान्यता है कि अगर वो योगी जी को हराते हैं, अगर हटाते हैं, तो दिस विल बी अ सुसाइडल स्टेप फॉर एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। ये मैं कई जगह इसलिए भी बोल रहा हूँ, लोगों को लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको उनके पास योगी जी को छोड़ के उत्तर प्रदेश को लीड करने का कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर वो अपने इसलिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, बीच में योगी जी खड़े हुए हैं, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर का जो मेरा एस्पिरेशन है उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, तो वो अगर इस चक्कर में उनको हटाएंगे तो यूपी ऑल्सो, मतलब अभी भी आज की तारीख में भी बैलेंस इज इन फेवर ऑफ इंडिया का अलायंस, वो और खराब हो जाएगा बीजेपी के लिए। अजय जी आनंद, इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं, रोमांचक स्थिति है। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, डिस्कशन के लिए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार, थैंक यू।